हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, अगर आप लोग मेरा चैनल देखते होंगे तो सलूशन बाय सलमान कि मेरी चैनल हैक हो चुकी है। जैसा कि मैंने हेडिंग में दिया था, आज की वीडियो में दिया है कि हैक मेरा चैनल सलूशन बाय सलमान। तो ये किस तरह मेरी चैनल हैक हुई और किस कारण से हुई और किसने किया और कब हुआ, सारी बातें इसकी आज की इस वीडियो में आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज़ एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि अगर उसकी चैनल हैक होती है तो उनके साथ ये कितनी बड़ी एक्सीडेंट है। तो मैं हर एक चीज़ मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को आप लोग सपोर्ट करो यार, क्योंकि मैं मेरी एक साल की मेहनत पूरी, मैं उस पर एक साल की मेहनत मेरी उस चैनल भी थी और वो सडनली किसी ने झटके में मेरी चैनल को हैक कर ली और ना ही मैं उस चैनल को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ना ऑपरेट कर पा रहा हूँ, ना ही कोई वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बस मैं उस चैनल को बस देख पा रहा हूँ, जैसे कॉमन सारे लोग आप लोग देख सकते हैं। और उसने मेरे चैनल के साथ क्या छेड़खानी की, क्या चेंजेस की, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि यार किसी के फीलिंग के साथ खेलना, मैं बोल नहीं सकता मैं कितना अपसेट हूँ। पिछले 3-4 दिन से जब से मेरी चैनल हैक हुई है, मैं आई थिंक 15 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड की थी राजसाव एवं भूमि सुधार के ऊपर, वो मेरी लेटेस्ट सबसे लास्ट वीडियो थी। और मैं फिर उसी दिन जब मैं रात में बैठा 10-11 बजे वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मेरे साथ मैं देखा कि मेरा चैनल हैक हो चुकी है, मैं अपने चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ और ये किसने किया आई डोंट नो। सो मैं अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, आई कांट एनी मोर, मैं अपने चैनल के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वो उसने मेरे चैनल को चेंज करके, नाम जो मेरे चैनल का नाम था वो ना आई मीन सलूशन बाय सलमान नाम था, उसको चेंज करके उन्होंने नाहिद 000 कर दिए। और वहाँ पे मैं जब मैं उसे एक्सेस करने जाता हूँ अपने अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से, मैं उसको चैनल को क्रिएट किया हुआ था तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं सारी चीज़ मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और मेरी इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों तक मेरी वीडियो जा चुकी थी उन सारे दोस्तों यारों में शेयर करो, क्योंकि मैं इस चैनल पर मैं वही चीज़ प्रोवाइड करने वाला था जो मैं पिछले वाली चैनल में प्रोवाइड कर रहा था। एजुकेशन से रिलेटेड मेरी टॉपिक थी, इस पर भी वही रही और इसमें कुछ नए नई चीज़ मैं लाने वाला हूँ जो मैं फ्यूचर में बता दूंगा आप लोग को। फिलहाल अभी वैकेंसीज़ की वीडियो जो मैं उस वीडियो पे चैनल पे अपलोड कर रहा था, जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही थी, इस पर भी मैं वही करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है उसी तरह के सब्सक्राइबर है जो मुझे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँ। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो इस मेरी इस वीडियो को, क्योंकि उनसे भी ये गलती ना हो जिस गलती की वजह से मेरी चैनल हैक हुई है। वो मैं सारी चीज़ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और मैं अब यहाँ से रेगुलर आप लोग के साथ अपडेट रहूँगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। रीज़न था कि मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आप लोग के साथ बताया था, जो मेरा रेगुलर चैनल देख रहे हैं। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड अपलोड करना चालू कर दिया था। फिर बीच में ब्रेक कुछ दिन का था मेरे पास, तो उसी ड्यूरेशन में सारा कुछ हो गया। और ये एक्सीडेंट मेरे साथ 15 तारीख को रात में 10 बजे हुआ है। तो सारी चीज़ मैं स्क्रीन पे चलता हूँ डेस्कटॉप के, मैं दिखाता हूँ आपको, एक एक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। और प्लीज़ प्लीज़ यार मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, दोस्तों में शेयर करें, हर एक आदमी तक पहुँचाएँ जो मेरी सब्सक्राइब मेरी उस आदमी तक जा मेरी चैनल की थी। और दोस्तों यारों में शेयर करें, अगर आपके भी कोई दोस्त यार इस तरह का वीडियो बना रहे हैं या उसके यूट्यूब चैनल है, उनके साथ एक्सीडेंट ना हो जो मेरे साथ हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट आप लोग करें। आप लोग के प्यार की वजह से ही मैं यहाँ तक ग्रोथ किया था। इनफैक्ट मैं अब मेरी चैनल की मोनेटाइजेशन भी ऑन होने वाली थी, बिकॉज मैं अपने चैनल को क्रिएट किया था आई थिंक अप्रैल या मई में 2018 में। यहाँ 2019 मतलब यार मैं क्या बोलूँ आप लोग को, मोनेटाइज ऑन होने वाला था मेरे चैनल का और सब कुछ, सब्सक्राइबर भी इतने अच्छी 3000 होने वाली थी, 2600 था, लेकिन वहाँ पे मेरी चैनल हैक कर ली गई है। तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं फिर से नया चैनल बनाऊँगा और फिर अपने जो मेरे दोस्त लोग हैं, भाई लोग मेरे चैनल देखते हैं, उनके लिए मैं फिर मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा हर एक चीज़ जो मैं कर रहा था। बिकॉज मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, जिसको जो करना करे यार, किसी से जलो मत आप लोग बराबरी करो। क्योंकि यार जो बराबरी करने मजा है वो जलने में नहीं है। किसी को आप लोग नीचा, किसी का पैर पर नीचे मत खींचा करो। कोई भी आप लोग जो भी मेरे चैनल हैक किए या किसी के भी हैक कर रहे हैं, किसी के चैनल के साथ ऐसा कर रहे हैं,
तो मैं बोलने के लिए बहुत सारी बातें गाइस, लेकिन मैं वो सारी बात नहीं बोलना चाहता हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट, आप लोग दें मुझे प्यार दें, तो मैं फिर से चैनल को ग्रो करूँ और अच्छी अच्छी चीज़ मैं इस पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। सिविल इंजीनियर के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छी अच्छी कोर्सेज देने वाला हूँ। 3D Max, AutoCAD, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। अभी तक ये चीज़ मैंने प्लानिंग सोची इस चैनल के लिए। आगे अगर आप लोग कुछ डिमांड हो तो उस पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ इसी चैनल पर। ओके, तो चलिए मैं देखिए चीज़ सीनियर दिखाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, क्या सीन हुआ। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आता हूँ, जो मेरी चैनल थी सलूशन बाय सलमान। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ सलूशन बाय सलमान चैनल पे। और जब मैं अपने चैनल पे आता हूँ तो आप लोग देखिए क्या होता है। ये योर चैनल पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो वेट गाइस, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे मेरी कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं है। मेरी चैनल पे सारी चीज़ यहाँ पे फॉर्मेट कर दी गई है। देख, वीडियोज़ में मैं जब जाता हूँ तो एक भी वीडियो यहाँ पे नहीं है मेरी। वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये अदर वीडियो है जो मैं यहाँ पे देखता हूँ, लाइक करता हूँ, वो सब सारी चीज़ें हैं। चैनल में देखिए कुछ भी नहीं है, प्ले लिस्ट में भी कुछ नहीं, सारा कुछ खाली है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए डिस्कशन, मतलब कुछ भी नहीं है। और अबाउट में देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है। तो सारी चीज़ ये चैनल देखिए मेरा क्रिएट दिखा रहा है, जो 15 दिसंबर 2019 की दिखा रही है, जो कि मैं एक चैनल बनाया था 2018 में। तो मेरे मतलब मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं अपने चैनल पे गया था रात 10 बजे, तो वहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का पैनल आया था। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, इस तरह का। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आया, यूट्यूब स्टूडियो पे गया, एप्लीकेशन यूज़ की होती है उस पर, या फिर यूट्यूब चैनल को लॉगिन किया, मतलब ऐसे मैं क्लिक करता हूँ यूट्यूब पे जाने के लिए, तो इस तरह का फॉर्मेट मेरे सामने आता है। तो मुझे लगा ये कुछ ऐसा होगा, मैं उस पर केयर नहीं किया। और वहाँ पे मैं यहाँ पे सलूशन बाई सलमान लिखा हुआ था मेरे नाम, जो जैसे आप कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको इस तरह का पैनल आता है कि अपने चैनल का नाम डिसाइड करने के लिए। तो सलूशन बाई सलमान बाई डिफॉल्ट वहाँ पे ऐड था, आई मीन टाइप था, तो मैं उसको यहाँ पे बस क्रिएट चैनल कर दिया। मैं उस समय इतना मुझे मतलब यार मैं सोच नहीं पाया क्या है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर इस तरह का एक्सीडेंट आपके साथ हो, ऐसा कुछ फॉर्मेट आ जाए ऑटोमेटिक, तो उसको एक बार रीड जरूर अच्छे से आप लोग उसको रीड कर ले। ओके, जैसे मैं क्रिएट चैनल पर मैंने क्लिक किया, तो उसके बाद मैं क्या सीन देखता हूँ कि इस तरह का मेरा सारा चैनल हो गया। यहाँ पे मेरी कोई वीडियो नहीं, कुछ प्लेलिस्ट नहीं है। और अबाउट में जाता हूँ तो लिखा रहा है कि मैं अभी चैनल को क्रिएट किया हूँ, आई मीन 2019 15 दिसंबर को जब मेरी चैनल हैक हुई थी उस डेट को, क्योंकि मैं क्रिएट किया था मई या अप्रैल में 2018 में। तो यहाँ पे मेरी कोई वीडियो नहीं, सारा कुछ यहाँ से हटा दिया गया, या किस तरह हुआ मैं ये भी बताऊँगा किस रीज़न की वजह से हुआ। तो चलिए मैं अब अपना वीडियो देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो है या नहीं है। तो 1 मिनट गाइस, मैं अपनी वीडियो दिखा तो ये सल्यूशन बाई शर्मान, इस पर मैं टाइप करता हूँ यूट्यूब पे। देखिए मेरा नाम वो चेंज कर गया, मैं क्या कर दिया गया, नाहिद 000 कर दिया गया मेरी नाम, जो कि मेरा नाम था सल्यूशन बाई शर्मान चैनल का। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जब मैं इस पर क्लिक कर पा रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा नाम हटा के नाहिद 000 हो गया है। वेलकम सल्यूशन बाई सलमान चैनल। पहले वाली तो गाइस, आखिरकार क्या हो रहा है व्हाट्सएप के रजिस्ट्रेशन को लेकर? क्या हम व्हाट्सएप पे मैसेज से किसी से बात नहीं कर सकते, या फिर उसे मैसेज को लेटर में लिखे किसी स्पीच पोस्ट के थ्रू उसे फॉरवर्ड करें? जी हाँ गाइस, पोस्ट की थी तो वो भी आप लोग देख पाएंगे। देखिए ये मेरी फोटो कम्युनिटी में है, ये मैंने पोस्ट की थी। सारी सारी चीज जो ऐसी सेम टीटो है, बस मेरे चैनल का नाम चेंज कर लिया गया है वहाँ पे, और मुझसे जो एक्सेस छीन ली गई, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग बोले कि मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, तो देखिए मैं जैसे इस पर जाता हूँ योर चैनल पे, तो फिर से मैं जिसके चैनल क्रिएट हुआ था उस रात को वो दिखा रहा है मेरा, वो बोले नाहिद वाली चैनल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, जो जिससे मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ, बिकॉज इसका एक्सेस अब उस बंदे के हाथ में चला गया है जिसने नाम चेंज किया और मेरा ईमेल आईडी चेंज कर दिया मेरे चैनल से। क्योंकि मेरे चैनल जो बने हुए थे वो नाहिद, देखिए नाहिद .00115030C12 वाली ईमेल आईडी से बनी हुई थी। तो ये ईमेल आईडी उसने हटा के अपनी ईमेल आईडी जोड़ दी और नाम वहाँ पर चेंज कर दिया उसने, नाम क्या दिया नाहिद से ही जुड़ा नाम यहाँ पर रख दिया चैनल का, जिससे मेरी एक्सेस वहाँ पर छीन ली गई मेरे चैनल की, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने यूट्यूब को ऑफिशियली मैंने ट्वीट भी किया था इस चीज़ के बारे में, यूट्यूब टीम को ट्वीट किया, यूट्यूब को ट्वीट किया ट्विटर पे, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। बस बोले कुछ टाइम लगेगा, टाइम टेकन लगेगा, मैंने सारे इन्फॉर्मेशन भी दे दी वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा कुछ टाइम लगेगा। तो अगर आप लोगों के साथ इस तरह होता है तो प्लीज़ आप लोग इस सब चीज़ से सावधान रहें। कुछ भी ऐसा अगर नोटिफिकेशन आता है एक बार ज़रूर चेक कर लें। और अपने ईमेल आईडी से अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, तो 2-स्टेप वेरीफिकेशन जो होता है गूगल का,
आपके सिक्योर करने के लिए आपकी ईमेल आईडी को, तो उसको जरूर एक्टिवेट करें। अगर कोई आपके चैनल को ईमेल आईडी को एक्टिवेट करना चाहता है तो आपके पास जरूर इन्फॉर्मेशन आएगा कि आप उसे अपने चैनल ईमेल आईडी को एक्सेस करने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। जरूर ये अपने से मतलब ये सारी चीज़ अपने ईमेल आईडी के साथ कर लें। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। सलमान वे जो चैनल है इसमें मैं सारी चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ, और मैं मेरी जो चैटिंग है कम्युनिकेशन चल रही है यूट्यूब टीम से ऑन ट्विटर पे, तो जैसे वहाँ एवरीथिंग विल बी फाइन, अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, होता है मेरी चैनल रिकवर हो जाती है, तो फिर मैं उस चैनल में वीडियो डालना अपलोड स्टार्ट कर दूंगा। मैं उसका इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी प्लीज़ आप लोग मेरे इस वाले चैनल को सपोर्ट करें। और यार बहुत सारा ऐसा केस है जिसमें चैनल वापस नहीं आ पाती, महीनों दो महीने लग जाती चैनल को आने में, तो इसे मेरी सब्सक्राइबर काफ़ी जो है वो मतलब छूट सकती, इस कारण मैं रुक नहीं सकता, इसलिए मैं चैनल क्रिएट किया हूँ। बस आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और बात रही इस चैनल की, जैसे आप लोग सलूशन बाय सलमान टाइप करेंगे तो बस मेरी आएगी चैनल नाहिद करके आएगी, तो आप लोग इसको कुछ मत करें, बिकॉज यार इस पर कमेंट करके भी आप लोग को फ़ायदा नहीं, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज इसकी एक्सेस मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। तो आप लोग कमेंट करना है तो सलमान वे चैनल पर कमेंट करें, और मेरे सलमान वे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं मेरे चैनल को, बिकॉज मैं सारी फिर से चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो काफ़ी मुझे अफसोस हो रहा है अपने चैनल का, यार मैं इतनी मेहनत की अपने चैनल की, या कोई यूट्यूबर करते हैं जो अगर यूट्यूब पे रेगुलर वे में जो अपलोड करते हैं, यूट्यूब में उनका सारा कुछ होता है, लेकिन अगर कोई बंदा उसके साथ ऐसा फीलिंग उनके साथ खिलवाड़ करता है तो ये मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ यार। बस मैं अपनी बात जहाँ तक हो रही मैं बोल पा रहा हूँ, फिर मैं सोचा नहीं, मुझे बैठने से अच्छा कि मैं चैनल क्रिएट करूँ, आप लोग साथ में वीडियो शेयर करूँ और वीडियो बनाऊँ। गाइस देख रहे हैं मेरी चैनल, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाता था, तो राजस्थान भूमि सुधार विभाग के बारे में सारी मैं इन्फॉर्मेशन मैं दी यहाँ पे देता रहता हूँ। जो भी सरकारी वैकेंसी आती है ऐसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मेरी लेटेस्ट वीडियो थी, इसके बाद इसी दिन रात में मेरी चैनल हैक हो गई है, इसमें आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, थोड़ा ये सफरिंग हो रही, थोड़ा इंटरनेट शुरू है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय सलमान। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूं, देखिए गाइस तो ये मेरी ही साउंड है और मैं इस पे वीडियो अपलोड किया था, और ये कब किया था मैं अपडेट भी आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए अपडेट दिख रहा है यहां पे, दिसंबर 15 को मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसी दिन रात में ये मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई कांट एनी बोल। अगर इस चैनल पे ना, चलो नाम चेंज हो गया, वीडियो भी अपलोड कर पाता मैं तो फिर बात नहीं, कुछ नहीं थी, मैं वीडियो अपलोड करता, लेकिन अगर वीडियो अपलोड मैं कर पाता तो वो नाम भी चेंज हो सकता था आराम से, लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं है। अब बात रहा कि ये किस कारण से हुआ। देखो गाइस, अगर आप यूट्यूब चैनल अपने क्रिएट करते हैं तो उसे प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने YouTube चैनल को ब्रांड अकाउंट में जरूर क्रिएट बनाएं, ब्रांड अकाउंट जरूर अपने चैनल का बना ले। इससे ये होगा कि कोई बंदा अगर आपके चैनल का ऑनर दूसरा बंदा बनता है, इनकेस अगर आपको कुछ भी हैक करने के बाद भी, तो आप उसको अपने चैनल को एक दिन के अंदर या दो दिन में फिर से आप अपने चैनल के ऑनर बन सकते हो, जब आपकी चैनल ब्रांड अकाउंट हो तब। तो मेरी गलती ये थी कि मेरी चैनल जो थी वो ब्रांड अकाउंट नहीं थी ओनली, पर वो ईमेल आईडी से लॉगिन था, और उस बंदे को मेरा ईमेल आईडी तो सारे को पता ही है, बस उसको किसी तरह हो सकता है कोई मेरे घर में कोई बच्चे लोग कुछ उन्होंने लिंक दिया हो तो उस पर क्लिक कर दिया हो, जिस कारण मेरी ईमेल आईडी की पासवर्ड उसके पास चला गया हो, तो मेरे चैनल को हैक कर पाया है वो, यहाँ पे एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग अगर अपने चैनल बनाए तो ब्रांड अकाउंट जरूर बना ले अपने चैनल के, जिससे ये होगा अगर आपके चैनल को ऑनर भी बनता है तो वो आपके चैनल की एक्सेस करेगा भी, तो फिर भी आप उसको रिमूव करके अपने चैनल का ऑनर फिर से बन सकते हैं अगर आपके चैनल ब्रांड अकाउंट हुई तो। और मुझे बस एक नोटिफिकेशन गाइस मिला था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये ऑफिशियली मुझे जो आया था गूगल बाय बिजनेस के थ्रू एक मेल आया था कि आपके चैनल का ऑनर अब नाहिद 000 को बनाया जा रहा है। और ये मैं कब देखा हूँ, उसी दिन रात में जब देखा हूँ जब मेरी वीडियो हैक हुई थी चैनल, तो ये न्यूज जो थी मैं दिखाता हूँ, मैंने उसे दाइस शेयर यू गाइस, ये वाली रही, ये सब लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ देखिए लिखा है डिड सोल्स इज नाउ इन ऑनर ऑफ 9000। देखिए ये स्पैम में ये न्यूज आया था, ये वाली ईमेल, और मेरे चैनल 15 तारीख को रात में हैक हुई, उससे दो दिन पहले ये न्यूज आया था, तो ये 13 या 14 तारीख को ये वाली न्यूज आई थी, ईमेल आईडी पे मेरे मेल आया था ये वाला। तो मैंने हैक होने के बाद देखा कि कुछ ऐसा मेल तो मैं मुझे यूट्यूब किया या नहीं किया मेरे चैनल इस तरह से किसी को ऑनरशिप दे दी गई है। जैसे आप लोग देखें हम लिखा हुआ है डिड सोल्स नाउ ऑन, मैं इसको थोड़ा जूम करते हूँ कि आप लोग अच्छे से देख पाए। देखिए ये गूगल माई बिजनेस की तरफ ये मुझे मेल आया था कि सॉल्यूशन बाय सलमान
डेट सोल्स इज नाउ इन ऑनर, द डेट सोल्स नाउ हैज सेट ऑनरशिप 9000। और किस तरह हो गया मुझे पता नहीं चला कि मेरी ऑनरशिप किसी को कैसे दे दी गई 9000 को। इसके बारे में मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन कुछ अभी तक रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। बस मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ कि ट्विटर पे मैं यूट्यूब टीम जो होती है ऑफिशियली उनका अकाउंट है, वहाँ पे मैं उसे मेल करते जा रहा हूँ, हर दिन मैं मेल कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन बोले टाइम लगेगा। वे कब तक होता है मुझे पता नहीं क्या, इसलिए मैं चैनल ये वाला क्रिएट किया हूँ। जैसे ही वो चैनल आ जाता है तो मैं अपने सोल्यूशन आई मीन सलमान भी चैनल पे बता दूंगा, तो आप लोग उस चैनल पे आ सकते हैं। लेकिन अभी सोल्यूशन भाई सलमान पे आप लोग ना जाए, कोई फायदा नहीं जाने से आप लोग को गाइस। बस मैं यहाँ पे किसी तरह हिम्मत को अपने करेज को बढ़ाकर मैं वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पे यार। मतलब पूरी तरह से ये था टेंशनलाइज था कि मैं किस तरह हैंडल करूँ अपनी टेंशन को, लेकिन फाइनली मुझे लगा नहीं जिस तरह मेरे उस चैनल को मेरे भाई लोग सब दोस्तों लोगों ने सपोर्ट किया है, इस तरह इतने मुकाम पे पहुँचाया था, तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को भी आप लोग मेरे भाई लोग जरूर इस चैनल को भी मुकाम पे पहुँचाएंगे। इस पर मैं उससे भी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ चैनल पे, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब मी माई चैनल, शेयर माई चैनल ऑल योर ऑल फ्रेंड्स सर्किल्स, तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। और आप लोग का प्यार रहा तो मैं इसमें और भी उससे भी अच्छी फालू वीडियोज़ पर मैं बनाऊँगा आप लोग के लिए। तो बस जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी तो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। तो बस मुझे ये पता नहीं चला है किस तरह मैं ऑनरशिप किसी को दे दिया गया है। दो ही कंडीशन में ये चीज़ होता है कि अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, आपके चैनल का नाम तो सारे को मालूम ही होता है, और आपके चैनल अगर ईमेल आईडी माना तो ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी को पता है, तो वो बंदा आपके चैनल को ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करके फिर आपको वहाँ से ऑनरशिप से हटा के खुद वो ऑनर बन सकता है। तब ये कंडीशन में ये चीज़ ये मेल आता है, ये कंडीशन है गाइस। तो प्लीज़ अपने चैनल को ब्रांड अकाउंट बना ले, और मेरी जो ये वाली चैनल है सलमान भाई, इसको मैं ब्रांड अकाउंट बना चुका हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस तरह की गलती ना करें यार। मतलब कुछ भी नहीं कर सकती इसका, कुछ ऐसा कस्टमर सपोर्ट भी नहीं कि आप उसे बाई कॉल बात कर सकती हो, कुछ भी नहीं। बस हम लोग जो कर सकते हैं बाई चैटिंग कर सकते हैं, और चैटिंग से उतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो नहीं पाती है। मतलब आपके बस मेल करोगे वो रिस्पॉन्स कब देगा नहीं, तो उसकी मतलब मर्जी के ऊपर सारा कोई डिपेंड ऑन होता है गाइस। तो बस ये चीज़ बोलने वाला था यार, मैं बोलने को बहुत सारी बातें, माई फ्रेंड माई डियर फ्रेंड माई ब्रदर, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज बोलने से फ़ायदा है नहीं। बस मैं इस पर आप चैनल पे वीडियो को रेगुलर वे में अपलोड करना चाहता हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। जो भी मेरा वीडियो देख रहे थे रेगुलर वे में, मेरी वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों यारों में, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कुछ आप लोग को मन में डाउट हो, सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो मुझसे ज़रूर पूछें, शेयर करें। और बस आज इतना ही रहने देते गाइस, लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और जो चीज़ कह रहे हो उसको अच्छे दिल से आप लोग करें, उसमें सक्सेस हो, सक्सीड हो। तो गुड बाय एंड विश यू वेल्थ।